brought to you by Higher and ITIL. आज सोशल लिस्ट में होगी बात कि क्यों सोशल मीडिया में लोग करने लगे सलमान खान की तारीफ और दिलजीत के वीडियो क्यों लगे सोशल मीडिया पर तेजी से भागने और दिल्ली में ऐसा स्मॉग फैला कि लोग क्या क्या लिखते मिले और एक बार फिर कैसे एक एड ने तोड़ा सोशल लिस्ट के व्यूअर्स का दिल। अरे ये इतनी धुंध कैसे फैल रही है इधर? दरवाजा खोल दिया था क्या? दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, धुंध आ जाती है, आपको अपना फेवरेट एंकर नहीं दिखता। इसी धुंध की तरह फैला ट्विटर पर एक नाम, अश्नीर ग्रोवर। शार्क टैंक से फेमस हुए अश्नीर के साथ दोगलापन शब्द जुड़ गया है। बड़ी तेजी से इस बारे में बात हुई, बैठो आराम से, पूरा मुद्दा समझाते हैं। अब आए हैं तो समझाएंगे ही। अभी चल रहा है बिग बॉस 18, वही वाला जिसमें पूकी बाबा के नाम से इंटरनेट पर मशहूर अनिरुद्धाचार्य आए थे। मेरे लिए तो वही चौंकाने वाली बात है कि ये वाला बिग बॉस अभी चल रहा है। खैर, कलर्स टीवी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आया, टाइटल था सलमान क्वेश्चंस अश्नीर ग्रोवर। वीडियो में वही था जो होना चाहिए, सलमान अश्नीर से सवाल जवाब कर रहे थे। किस बारे में, ये जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। हाँ, तो शार्क टैंक के बाद अश्नीर ग्रोवर बिजनेस ब्रोज के लिए सब कुछ बन गए थे। इसी सब कुछ बनने के क्रम में इन्होंने खूब सारे इंटरव्यूज दिए, टॉक्स दी। एक टॉक में ये कह रहे थे अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का सोचा। सलमान खान की टीम ने 7.5 करोड़ रुपए मांगे तो अश्नीर ने बताया कि उन्होंने सलमान खान से कहा कि कम कर दे भाई, वो तो 4.5 में मान गया। चलाओ फ्लैशबैक ख़त्म, अब प्रेजेंट में आ जाओ। अश्नीर से सलमान ने कहा कि मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कि उसको इतने में साइन कर लिया, सब फिगर भी आपने गलत दे दिया, ये दोगलापन क्यों? जिस पर अश्नीर ने कहा कि शायद पॉडकास्ट में ये ठीक से आया ना हो, उस पर सलमान ने जवाब दिया कि ये बराबर आ रहा है, बस फिर क्या था, इंटरनेट फट पड़ा। इसके अलावा फुल एपिसोड से भी क्लिप्स चलाई गई। इस एक क्लिप में सलमान खान ने कहा कि वह अश्नीर को जानते नहीं हैं, उसको भी खूब चलाया गया। लिखा गया कि सलमान ने अपने शब्दों में मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता था से ही अश्नीर का एरोगेंस खत्म कर दिया। शार्क टैंक और बिग बॉस की तुलना भी की गई। लिखा गया कि कैसे 15 साल का मैं मम्मी और पापा के सामने किस तरह का व्यवहार करता हूँ। शार्क टैंक के कंटेस्टेंट और आशीष सोलंकी की तस्वीर लगा लिखा गया कि ये लोग आज सबसे ज़्यादा खुश हैं। भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई भी लिखा गया। आशीष सोलंकी का भी एक ट्वीट आया, लिखा था सलमान भाई को तो केस की धमकी देना भी अजीब लगेगा। दिलजीत का नाम पिछले कई महीनों से खूब छाया हुआ है, आपको पता है, कारण है उनका दिल्युमिनाटी टूर। इंडिया में खूब शो हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता रहता। अच्छा, इंडिया वाले शो इधर कुछ हफ्तों से हो रहे हैं, ये मत कहना कि महीनों से हो रहे हैं, ऐसा वैसा तुझको कुछ पता नहीं है, घर जा छुट्टी ले ले, समझ गया ना मामला। ख्याल, एक लड़की बेचारी शो एंजॉय कर रही थी, उसी का मीम बना दिया लोगों ने। इसके साथ ही एक और खबर चर्चा का विषय बनी हुई थी। हुआ ये कि 15 नवंबर को उनका ये टूर हैदराबाद में हुआ। इस टूर से पहले दिलजीत को तेलंगाना सरकार ने एक नोटिस भेजा था जिसमें लिखा था कि वो उन गानों पर परफॉर्म ना करें जिसमें ड्रग्स या शराब को प्रमोट किया जाता है। दिलजीत ने तेलंगाना सरकार को भरे कॉन्सर्ट में जवाब दिया है। दिलजीत वायरल वीडियो में कह रहे हैं कि जब दूसरे देश से आर्टिस्ट हमारे देश में परफॉर्म करने आते हैं तब उन्हें वो सब करने दिया जाता है जो करना चाहते हैं, लेकिन जब अपने ही देश का कोई आर्टिस्ट गाना गाता है तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा कई और बातों में एक बात ये भी कही कि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं अगर ये अपने आप को ट्राई स्टेट घोषित कर दें तो अगले दिन से ही मैं शराब पर गाने नहीं गाऊंगा। जिस प्रकार हर इंसान को जीवन जीने का अधिकार होता है उसी तरह से हर इंसान की गरिमा होती है, उसे सम्मान का अधिकार होता है और हमें ये बात समझनी चाहिए। हम समझें ना समझें, एक स्कैमर ये बात अच्छी तरह से समझता है। इसलिए देखिए सुनिए, फ्रॉड करने के लिए हमारे दर्शक राहुल देवा को कॉल किया एक स्कैमर ने और जब उससे सम्मान से बात नहीं की गई तो ना उसने बात की और ना स्कैम किया। सुनिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, फेडेक्स इंटरनेशनल कोरियर सर्विस में आपका स्वागत है। हाँ बोल, बता क्या हुआ? मैंने बात करने का तमीज सीख लिया, समझा? बहुत ही बदतमीजी से बात की गई यहाँ स्कैमर से, मुझे बहुत बुरा लगा, एक बार और सुनाया जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग, फेडेक्स इंटरनेशनल कोरियर सर्विस में आपका स्वागत है। हाँ बोल, बता क्या हुआ? मैंने बात करने का तमीज सीख लिया, समझा? कुल मिलाकर हम कहना ये चाह रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम, डिजिटल अरेस्ट
फ्रॉड कहना जरूरी है, वरना लोगों को लगता है कानूनी टर्म है, या किसी भी तरह के स्कैम के चक्कर में ना पड़े, बुद्धि खोल कर रहे। जैसे अभी शूट के जस्ट पहले हमारी टीम के साथ थी अमित जी को एक स्कैमर का कॉल आया था, मैं भी बगल में बैठा था, हम थोड़े से मजे लेना चाहते थे, ले नहीं पाए भरपूर मजे, क्योंकि गलती हमारी थी। क्या गलती थी वो वीडियो देखने के बाद बताते हैं, वीडियो देखिए। बहुत डरना है, बहुत डर जाना है आपको। हेलो जी, जी आपका फोन आया था मेरे को कि हमने कोई पेमेंट या फोन बंद हो जाएगा 2 घंटे में। क्या मुझे कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कहा कि नो डायल करें और बात कर लें। ओके, मैं आपको अपना सिस्टम चेक करके बता दूं कि आपको कॉल किया। हाँ जी सर, आपका नंबर यही है ना? हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। इसके अलावा आपके नंबर तो नहीं, आपके नाम से रजिस्टर्ड? नहीं, यही नंबर है मेरे पास। ओके, लेकिन मैं आपका सिस्टम देख पा रहा हूँ कि आपके नाम से एक नंबर रजिस्टर है, इसके अलावा इसके लास्ट 4 अंक है 3277, मिस्टर अमित सोनी। अच्छा, क्या करना होगा इसका? पंजाब। अच्छा, आपका नंबर है? 3277। नहीं, ये मेरे पास तो नहीं है नंबर। मैं आपको पूरा नंबर बताता हूँ, फिर देखिए। नहीं, ये ऐसा कैसे, मेरे तो नंबर आपके नाम, अच्छा मेरे नाम का रजिस्टर है संदीप लिया हूँ, और इस नंबर से काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज की। संदीप ने किया हूँ, बता रहा हूँ। संदीप ने किया? वही 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 लिया होगा। अरे, किसी ने मेरे नाम पे ले लिया सिम, दिलवाया मैंने किसी को ना, संदीप को ही। अच्छा, वही संदीप में रहता है। संदीप ने लिया होगा। हाँ, फिर कैसे करेंगे? पर ये नंबर आपके नाम से मुंबई में रजिस्टर किया गया है। अच्छा, तो मुंबई में वही तो रहता है। हाँ, सही कह रहे हो भैया। आप क्या करेंगे इसको समझ में? अब बताते हैं हमने गलती क्या की। पहली गलती, उसकी हर कहानी पर हाँ हाँ करते गए। दूसरी गलती, डरने की बहुत गंदी एक्टिंग की। 50 रुपये काटो, 100 रुपये दोनों का। नंबर 3 गलती, स्कैम के इतने किस्से हमने सुन रखे हैं कि वो अपनी स्क्रिप्ट सुना नहीं पाया, हम पहले से ही उसकी स्क्रिप्ट में जो होने वाला है उसके अकॉर्डिंग बात करते मिले। और चौथी और सबसे बड़ी गलती ये कि उसने मुंबई कहा नहीं और हम मान गए कि फलाना बंदा हमारा मुंबई में ही रहता है। वो भी समझ गया कि कोई इतना भी बुद्धू नहीं होता कि एकदम स्कैम करवाने के लिए कूदा आए। पांचवी बात, लेकिन हमने एक गलती नहीं की, हम उसके झांसे में नहीं आए। मजे लेने में हम भले पीछे रह गए, नहीं हो पाया हम जो करना चाहते थे, लेकिन हम अपना बुद्धू नहीं कटवाए हैं, है ना? आपको भी नहीं कटवाना है जब ऐसा कॉल आए। अब बारी है रैपिड स्पीड में खबरों की। आपको पता ही होगा कि सेगमेंट में हम आपको आज के ट्रेंड्स, वायरल खबरों और सोशल मीडिया पर ओवरऑल क्या चला, इस बारे में 1-2 लाइनों में बताएंगे। खबर ऐसी है जो हर साल दोहराई जाती है, लेकिन फिर भी बतानी ही जरूरी है और बतानी ही पड़ती है, क्योंकि होता तो है कुछ नहीं। दिल्ली में हवा और भी खराब हो गई, नीला आसमान तो दिल्ली वाले भूल ही जाएं। एक्स पर सेम एक्टर ट्रेंड चला, जहां पूछा गया कि ऐसे 2 एक्टर्स की तस्वीर लगाओ जिन्होंने एकदम ही अलग 2 रोल निभाए हों। लोग बहुत क्रिएटिव हो गए। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर पटना में लॉन्च किया गया। अल्लू अर्जुन ने ट्वीट करके पटना को थैंक यू कहा। सोशल लिस्ट में आप बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक वीडियो। वीडियो दिखाता है कि कैसी है आपकी लड़ाई, आपकी जंग सिर्फ आपकी नहीं होती, किसी अनजान इंसान की भी हो सकती है। वर्ल्ड ऑफ एन एडवेंचर नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो आया, जहां एक इंसान ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा है। ट्रेन के इस पार से उस इंसान को खूब चीयर किया जा रहा है कि बस वो ट्रेन पकड़ ले। आप भी देखिए। This guy has been running to catch the train. Go fast, you can make it. You got it. He's almost there. Let's see. He's almost there. Keep going. He started running again. He better hurry. Get on the train. Run faster. Please make it. He's going to make it, even if he hops on. बाकी आज के शो में इतना ही। सूचना है वो भी बता देते हैं। लल्लन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। दिनांक 22 नवंबर से 24 नवंबर ये डेट होगी, 22, 23, 24 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में लल्लन टॉप अड्डा सजेगा। इस अड्डे में आने के लिए आपको क्या करना है,
रजिस्ट्रेशन जो आप लल्लन टॉप की वेबसाइट पे दिए गए बैनर पे क्लिक करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। बनिए 3 दिन के लिए लल्लन टॉप अड्डे का हिस्सा सिर्फ 499 रुपये में। फिलहाल के लिए इतना ही, हम चलते हैं, टाटा आते रहेंगे।